अस्सलाम वालेकुम। फालशा के हैरत अंगेज़ फ़वाद। बरअज़म एशिया का मकबूल फल फालशा अपने जायके और फरहत बख्श असरात के बायस बड़ी अहमियत का हामिल है। यह प्यास की शिद्दत में कमी, खून और दिल के अमराज को ख़त्म करने की तासीर भी रखता है। फालशा का फल बड़े शौक़ से खाया जाता है। इसमें 81% पानी के अलावा प्रोटीन, चिकनाई, रेशे और नशास्ता पाया जाता है। फालशा एक ऐसा फल है जिसमें लज्जत के अलावा बेशुमार तिब्बी और ग़िज़ाई फ़वाद भी पाए जाते हैं। गर्मियों के मौसम में फालशा बहुत बड़ी कुदरती नेमत है। इसका शरबत जिगर के अमराज में फ़ायदा मंद है और ख़ास तौर पर जरकान के मरीज़ों के लिए यह नहायत मुफीद है, जबकि तंदुरुस्त अफराद के लिए भी यह रोज़ाना फालशे का एक गिलास ठंडा शरबत उन्हें जरकान से महफूज रखता है। फालशे का शरबत सुबह शाम पीने से न सिर्फ ब्लड प्रेशर कम होता है बल्कि सर दर्द में भी फ़ायदा होता है। शदीद गर्मी और लू से फालशे का एक गिलास शरबत पीकर सन स्ट्रोक से भी महफूज रहा जा सकता है। प्यास की शिद्दत को कम, मैदे और सीने की जलन को दूर करता है। फालशा खून बनाता है और खून साफ भी करता है। फालशा मकवीए दिल है। फालशा मैदा और जिगर को ताकत देता है। ये प्यास को भी बुझाता है, पेशाब की सोजिश को ख़त्म करता है। फालशा का पानी निकाल कर इससे शरबत बनाया जा सकता है। इख्तलाजुल कल्ब और खफकान को बेहद मुफीद है। फालशे की जड़ का छिलका सोजाक और शुगर में इस्तेमाल कराना बहुत मुफीद है। फालशे के पानी से गरारे करने से खनकान का फ़ायदा होता है। यह सफरावी असहाल, हिचकी और कह को बंद करता है। तपदिक में फालशे का इस्तेमाल बेहद मुफीद है। दिल की धड़कन ख़ास तौर पर बेचैनी को दूर करता है। पुरानी से पुरानी कब्ज़ को भी ये ख़त्म करता है। शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शुक्रिया।